सम्मानिक तुम रो रही हो? नहीं, वो आंख में कचरा चला गया, सो इट्स जस्ट वाटरिंग। ऑफ कोर्स इट इज जस्ट वाटरिंग। वैसे भी रोने का क्या है इसमें, माने को कुछ नहीं हुआ, ही बी फाइन सून, तो फिर रोना क्यों? ऑफ कोर्स वो ठीक हो जाएगा, ही बी फाइन। कबीर, मानिक हॉस्पिटल में अकेला है, ही इज ऑल अलोन। अगर मैं होती ना तो वो मुझे कभी छोड़ के वो जाता ही नहीं। नथिंग वुड हैव स्टॉप्ड हिम एंड लुक एट मी, आई एम गोइंग होम। नंदिनी, वो इसलिए क्योंकि मानिका घर पे कोई इंतजार नहीं कर रहा होता। हाँ, मैं, मानिक, जितने भी लड़के, हमारे लिए घर पे कोई इंतजार नहीं कर रहा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम घर लौट के जाए या ना जाए या रात भर बाहर रहें। बट यू आर लकी, तुम्हारे घर पे तुम्हारे चाचा चाची, दे केयर अबाउट यू। यू आर राइट, मानिक भी यही कहता था, आई एम लकी। कबीर, व्हाट इफ मानिक वेक्स अप इन द नाइट? व्हाट इफ ही वेक्स अप नाइट, कोई भी उसके साथ नहीं है, हाउ विल ही मैनेज? ही वो बहुत पैनिकी हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो उसको प्लीज इधर हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। अच्छा रिलैक्स नंदिनी, भैया आप चलो। वैसे भी अगर वो उठ जाएगा ना तो सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा। कैसे? कैसे क्या, अगर मानिक रात को उठ जाएगा तो ऑब्वियसली वो पूरा हॉस्पिटल अपने सर पे उठा लेगा, पूछेगा सबसे नंदिनी कहाँ है, नंदिनी कहाँ है, नंदिनी कहाँ है, एंड फाइनली दे विल गेट इन टच विद यू, सो यू विल गेट टू नो। भैया जरा सा लेफ्ट लेकर रुक देना यहाँ पे। ठीक हो? कोई देख लेगा, चाची चाची माइट सी अस, चाचा माइट सी अस, बट नहीं, I'm standing right here. और वो मेरे साथ नहीं, and all I wish की वो मेरे साथ हो, but he drops me home, he annoys me, he's with me and I wish की मेरे बदले मानिक यहाँ होता, तो मैं drop करूँ। तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? बेल क्यों नहीं बजाई? ऊपर से देख लिया मैंने, बचाने वाले थे वहाँ पे। चलो फिर बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आके भी बातें हो सकती है, चलो। नहीं नहीं चाची, वो क्या कि मुझे घर जाना बहुत जल्दी है, आई एम गेटिंग लेट, समथिंग इंपॉर्टेंट, सो आई विल सी यू, गुड नाइट नंदिनी, बाय। चाची वो मैं बोल रही, बेटा ना रोले, चाची हल्का कर ले, आई नो तू बहुत स्ट्रेस्ड है, तेरा मालिक हॉस्पिटल में है ना? चाची अब मानिक और मेरे बारे में जब बुद्धू, मुझे तो बहुत पहले से पता था, बस तेरे जाने का इंतजार कर रही थी, और तेरे आंसुओं से लग रहा है कि तुझे समझ में आ रहा है।